हमारे उस्ताद ने तरबियत दी थी, बेटा हमेशा ऐसे नहीं करना, हमेशा ऐसे ही करना। इसलिए मैं हार नहीं फैलाता किसी के आगे। मेहनत करने वाला खुदा का दोस्त है, मेहनत करनी चाहिए। तो ज्यादा ये जरूरी है, मेहनत करो तो खुदा बरकत डालता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ डस्का के हेड बम्बा वाला के ऊपर और मेरे साथ मौजूद हैं कादिम अली, जो एक मोटिवेशन है उन सब लोगों के लिए जो माजूर हो चुके हैं। ये बचपन से ही जो है वो इनके पट्टे कमज़ोर हैं, चल फिर नहीं सही तरह सकते। इनके पास एक साइकिल है जो आप देख रहे हैं, ये उस साइकिल के ऊपर उसके इर्द गिर्द चंद टोकरियां बना के कुछ पापड़ वगैरह, निमकोज और बिस्किट्स वगैरह सेल करते हैं और अपना जो है वो रोज़गार चला रहे हैं। इनके जो वालिद हैं वो बुज़ुर्ग हैं, वो कमा नहीं सकते, तो ये अपने वालिद का भी सहारा बने हुए हैं। ये दिन में कितना कमा लेते हैं, इनका गुजर बसर कैसा हो रहा है और ये जो दूसरे मजदूर लोग हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं, ये हम इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का बहुत ज़्यादा शुक्र है। ये कब से कर रहे हैं ये काम? ये माशाल्लाह 5-6 साल से। 5-6 साल से कर रहे हैं? हाँ। तो क्या कितना का कमा लेते हैं दिन का? दिन का यही 250 रुपया। 250 सेल करते हैं। अच्छा, तो गुजर बसर हो जाता है? गुजर बसर हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या मसला क्या है आपके, पाँव ठीक नहीं? ना, हमारे पूरे वजूद के पट्टे कमज़ोर हैं। सही है। कभी कोई लोग जो है वो मदद भी कर देते हैं इस तरह देख के? हाँ जी। तो कितने आपके घर में कितने हैं, कोई आपका जिम्मेदारी भी है किसी का जो आप कुछ? कोई हमारा बाप है, वो बूढ़ा हो गया अब, तो इसलिए मैं ही थोड़ा बहुत करके तो कार खिलाता। आप अकेले बेटे हैं? नहीं, दो भाई हैं हम। वो ठीक है? नहीं, वो भी मुझ जैसा ही है घर में, वो ज्यादा नहीं ना चल फिर सकता। सही है। तो इसलिए मैं आता हूँ इधर चौंक में। तो बड़े ऐसे लोग हैं वो मांगना शुरू कर देते हैं, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम जो है, हमारे उस्ताद ने तरबियत दी थी, बेटा हमेशा ऐसे नहीं करना, हमेशा ऐसे ही करना। अच्छा। तो मैंने वो उस्ताद की नसीहत को शर्माते रखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा इज्जत दी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का बहुत ज़्यादा ही शुक्र गुज़ार हूँ। मैं से यही देना चाहूँगा, जो मजदूर है वो मेहनत करके खाए तो इज्जत की रोटी मिलेगी है अल्लाह से इंशाल्लाह। मेहनत करने वाला खुदा का दोस्त है, मेहनत करनी चाहिए। तो ज़्यादा यही ज़रूरी है, मेहनत करो तो खुदा बरकत डालता है। खुदा का शुक्र गुज़ार हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो आप कोई क्लासें जमातें पढ़े भी हैं? नहीं, हम न पढ़े। कुरान आपने हिफ्ज़ किया आप बता रहे हैं? हाँ जी, 3 सपारे हिफ्ज़ किए हैं। 3 सपारे हिफ्ज़ किए हुए हैं माशा। हाँ जी। वही आप जो उस्ताद की बात सुना रहे हैं, उन्होंने आपको ये सिखाया था? हाँ जी, ये हमारे उस्ताद हैं। वो हमारे उस्ताद ही नहीं हैं, मेरे बाप भी हैं, मेरे सब कुछ हैं वो। उन्होंने समझाया था कि बेटा आज तक किसी से तली नहीं करनी, हमेशा अल्लाह पाक आपको रिजक इंशाल्लाह अच्छा देगा। तो इसलिए मैं हार नहीं फैलाता किसी के आगे। चलें, गाँव कौन सा आपका? बम्बा वाला। जी तो नाज़रीन, ये थे कादिम अली, बम्बा वाला गाँव के कादिम अली। ये उन सब लोगों के लिए जो है वो एक ख़ास मैसेज दे रहे हैं
जो लोग मजदूरी की वजह से जो है वो मांगना शुरू कर देते हैं और अब मांगने को अपना पेशा बना लेते हैं, इन्होंने जो है वो एक हलाल वे चूज़ किया है और ये आज चीज़ें सेल करके कमा रहे हैं और अपने बाप और अपने घर का भी जो है वो खर्चा चला रहे हैं। आप जब भी कभी बम्बा वाला हेड बम्बा वाला से गुजरें तो इनसे ज़रूर कुछ खरीदें ताकि इनको मोटिवेशन मिले, और ये उन सब लोगों के लिए भी मोटिवेशन है जो अपने घर बैठे हुए हैं। सियालकोट के मतलब मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिएगा सियालकोट प्लस। मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम।